आज के वीडियो में आपको धवन फैमिली में आए एक न्यू मेंबर के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धवन फैमिली ने वेलकम किया एक न्यू मेंबर और इस न्यू मेंबर के आने पर पूरी फैमिली बहुत ज्यादा थ्रिल दिखाई दे रही है। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि रोहित धवन और उनके फादर डेविड धवन एक हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किए गए हैं और वहीं पर रोहित धवन की वाइफ जानवी ने अपने बेबी बॉय को जन्म दिया है। जी हाँ, डेविड धवन के बेटे और वरुण धवन के भाई रोहित धवन एक बार फिर से पेरेंट्स बन चुके हैं। रोहित धवन और जानवी ने क्यूट से बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं। रोहित धवन और जानवी की इससे पहले क्यूट सी बेटी भी है जिसका नाम नियारा है और नियारा अपने चाचू वरुण धवन के बहुत ज्यादा क्लोज है और वरुण धवन अपनी क्यूट सी नीस के साथ बहुत सारी क्यूट वीडियो शेयर करते रहते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी होती हैं और उनके फैंस इस वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। धवन फैमिली न्यू मेंबर के आने पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है और अब उन्होंने इस बेबी बॉय को बहुत ही ज्यादा ग्रैंड वेलकम भी किया है। रोहित धवन और जानवी देसाई ने 2012 में शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे और दोनों की इससे पहले एक बेटी नियारा भी है। कुछ वीक्स पहले वरुण धवन की फैमिली ने बेबी का प्री अराइवल सेलिब्रेट किया था जिसमें वरुण धवन की वाइफ नताशा दलाल ने अपनी सिस्टर इन लॉ जानवी के लिए एक बेबी शावर होस्ट किया था जिसकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा क्यूट थी और ये एक पूल साइड बेबी शावर था जिसको सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। वर्क फ्रेंड की बात करें तो रोहित धवन कार्तिक आर्यन और प्रीति सानन की फिल्म शहजादा के साथ काम कर रहे हैं और ये अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की फिल्म का रीमेक है जिस पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। इसके अलावा वरुण धवन की बात करें तो वरुण धवन के लिए भी बहुत सारी फिल्में हैं और वो भी बहुत सारी फिल्मों में जल्द नजर आ रहे हैं और उनकी भी फिल्म्स रिलीज के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपको वरुण धवन की फैमिली में आए इस न्यू मेंबर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।